नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महावीर व्यास अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम टॉन्सिलाइटिस के बारे में बात करेंगे, यानी कि टॉन्सिल की सूजन ये क्या होता है, इसका होम्योपैथी में उपचार क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, टॉन्सिल्स हमारे गले में दोनों साइड लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लसीका प्रणाली का हिस्सा होते हैं और ये लंग को संक्रमण से प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि लंग्स के द्वारपाल होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में लंग्स की मदद करते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते ये योद्धा अगर जख्मी हो जाते तो इसकी सूजन को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस के जो सिम्टम्स है उसमें फर्स्ट सिम्टम है इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन, दूसरा है निगलने में तकलीफ होना है, तीसरा है पेन और चौथा है कफ, कभी कभी टॉन्सिलाइटिस के साथ खांसी भी होती है, और पांचवा सिम्टम है फीवर यानी कभी कभी टॉन्सिल के साथ आपको बुखार भी हो सकता है। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस बार बार होता है तो आपको कुछ चीजों का परहेज करना चाहिए, जैसे मीठा कम खाना चाहिए, आइसक्रीम नहीं लेनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने चाहिए और चॉकलेट्स भी आपको बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये टॉन्सिलाइटिस को अक्सर बढ़ा देते हैं। मित्रों, होम्योपैथी में टॉन्सिलाइटिस का बहुत ही अच्छा इलाज है। अगर आप रेगुलर होम्योपैथिक मेडिसिन लेते तो आपको बार बार होने वाले टॉन्सिलाइटिस से छुटकारा मिलेगा। तो आइए इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी फर्स्ट मेडिसिन है बेलेडोना 30। जो बेलेडोना है इसका जो खास एक लक्षण है वो है रेडनेस। अगर गले में सूजन के साथ बहुत ही ज्यादा रेडनेस हो गए, साथ में बहुत ही पेन होता है और निगलने में तकलीफ होती है और लिक्विड लेने में भी आपको दिक्कत हो रही है और साथ में सूजन है, तो बेलेडोना 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम इसकी 5-5 गोली लेने से इस तरह का एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और सूजन और रेडनेस भी ठीक हो जाता है। मित्रों, इसकी सेकंड मेडिसिन है फाइटोला का डेकांड्रा। इसको 200 पोटेंसी में लेते। जो फाइटोला का है वो अक्सर राइट साइड टॉन्सिलाइटिस में ज्यादा यूजफुल है। इसमें डार्क रेड या ब्लूइश रेड स्वेलिंग हो जाता है, पर्टिकुलरली राइट साइड में शूटिंग पेन होता है और कान तक हो जाता है और स्वेलोइंग में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। साथ में जो टॉन्सिल है उसमें ग्रेइश व्हाइट थिक म्यूकस जम जाता है और उसको निकालने में बहुत ही दिक्कत होती है। अगर ऐसे सिम्टम्स है तो फाइटोला का 200 पोटेंसी में सुबह और शाम कुछ दिनों तक लेने से ऐसे सिम्टम्स क्योर हो जाते हैं। मित्रों, इसकी थर्ड मेडिसिन है कैल्केरिया कार्प 200। जो कैल्केरिया कार्प का पेशेंट होता है वो फेयर होता है, फ्लेबी होता है और फैटी होता है और कोल्ड वेदर में इसको बहुत ही तकलीफ बढ़ती है, साथ में टॉन्सिल्स में बहुत ही ज्यादा सूजन आती है और साथ में जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होती है यानी कि जो सलाइवा बनाने की जो ग्रंथियां होती है उसमें भी साथ में स्वेलिंग हो जाती है। अगर ऐसे सिम्टम्स है तो कैल्केरिया कार्प 200 पोटेंसी में हफ्ते में एक बार लेने से ये सभी सिम्टम्स क्योर हो जाएंगे। मित्रों, इसकी चौथी मेडिसिन है हेपारसल 30। अगर आपको टॉन्सिल में पस बनना चालू हो गया है और साथ में दर्द होता है और अगर इन्फेक्शन हो गया है टॉन्सिल में, पर्टिकुलरली वायरल इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है और ड्राई कोल्ड एयर में और ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है और वाम से अच्छा लगता है, यानी कि गर्म या कुनकुना पानी पीने से, तो टॉन्सिल में अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो एपरसल 30 पोटेंसी में सुबह और शाम दो टाइम कुछ दिनों तक लेने से ऐसे सिम्टम्स क्योर हो जाते हैं। मित्रों, इसकी फिफ्थ मेडिसिन है मर्क सॉल 30। अगर टॉन्सिल में अल्सर हो गए या पस हो गए, छाले पड़ गए टॉन्सिल में, साथ में मुंह में से बदबू आती, तो अगर पस वाला टॉन्सिल है तो मर्क सॉल 30 पोटेंसी में कुछ दिनों तक सुबह और शाम लेने से ऐसे सिम्टम्स क्योर हो जाते। मित्रों, इसकी सेवंथ मेडिसिन है मर्क आयो ड्रॉप 200। जो लेफ्ट साइड टॉन्सिल है उसमें अगर बार बार तकलीफ होती है, साथ में लेरिंग्स में भी तकलीफ हो जाती है और गला बैठ जाता है, अगर ऐसे सिम्टम्स है तो लेफ्ट साइडेड टॉन्सिलाइटिस में मर्क आयो ड्रॉप 200 पोटेंसी में दिन में एक बार कुछ दिनों तक लेने से ऐसे सिम्टम्स क्योर हो जाते। मित्रों, इसकी एट्थ मेडिसिन है मर्क आयो फ्लेवर्स 200। जैसे सिम्टम्स मर्क आयो ड्रॉप में लेफ्ट साइड में होते, ऐसे ही सिम्टम्स अगर राइट साइड टॉन्सिल में अगर हो तो यही मेडिसिन रात को सोने से पहले 5 गोली एक बार कुछ दिनों तक लेने से ऐसे सिम्टम्स अगर राइट साइडेड टॉन्सिलाइटिस में तो क्योर हो जाएंगे। मित्रों, इसकी 9th मेडिसिन है सोराइनम 1 mg यानी कि 1000 पोटेंसी। ये सोराइनम है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है
अगर कोई पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा टॉन्सिल फूल गए, क्रॉनिक है और विंटर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ते, इसका जो पेशेंट होता है उसको ठंड बहुत ही लगती है, गर्मियों भी में अगर समर में भी ये गर्म कपड़े पहने रहता है या सर को गर्म टोपी से ढके हुए रहता है, अगर इस टाइप का पेशेंट है तो सोराइनम 1 mg पोटेंसी में एक डोज ही इसका लेना चाहिए। इसको ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हो सके यहाँ तक ये डॉक्टर के परामर्श से ही लेनी चाहिए। और मित्रों, इसकी 10th और लास्ट मेडिसिन है स्ट्रेप्टोकॉक्सिन 200। अगर बार बार इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से टॉन्सिल आपको फूल जाते हैं, पेन होता है और साथ में फीवर भी आ जाता है, तो हफ्ते में एक बार स्ट्रेप्टोकॉक्सिन 200 पोटेंसी लेनी चाहिए महीने तक। तो इस टाइप का जो टॉन्सिलाइटिस है विथ फीवर और रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होता है तो ये सिम्टम सभी क्योर हो जाता है। मित्रों, उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, जय हिंद।